झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने आलमगीर आलम से बीते मंगलवार को 9 घंटे की लंबी पूछताछ की थी। आज बुधवार को भी करीबन 6 घंटे पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद ईडी दफ्तर में मेडिकल टीम को बुलाकर उनकी स्वास्थ्य की जाँच कराई जा रही है। फिर देर रात या अहले सुबह उन्हें ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। संभवतः आशा जताया जा रहा है कि ईडी रिमांड की डिमांड करेगी। रिमांड मिलने के बाद पैसे से जुड़े कलेक्शन को ईडी तलाशने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि 6 मई को मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर के घर ईडी ने छापेमारी की थी, जिससे तकरीबन 37 करोड़ नकद बरामद किया गया था, जिसके बाद संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने अरेस्ट कर लिया था। दस्तावेज के आधार पर विभागीय मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने 14 मई को अपनी संपत्ति के दस्तावेजों के साथ ईडी दफ्तर हाजिर होने को कहा था। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर भाजपा एक बार फिर से कांग्रेस पर हावी नजर आ रही है। झारखंड दौरे पर आए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि ऐसा आलम तो गिरफ्तार होता रहेगा, अभी आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। ऐसा आलम तो और गिरफ्तारी होते रहेगा भारत में, एक से अपना बिगड़ मत जाइए, आगे बहुत देखना बाकी है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। इसीलिए मैं शुरुआत में बोला हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए ईडी और सीबीआई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए।